हेलो गाइस, डिजाइन से डिजिटल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुकूल कुमार और आज आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आया हूं जिसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 3ds Max 2019 के इस ट्यूटोरियल को। तो गाइस, जो मैं वर्जन यूज कर रहा हूं वो है 2019 का, एंड अगर आप पुराना वर्जन यूज कर रहे हैं कोई बात नहीं, यहाँ पर बिल्कुल मैं बिंदास तरीके से आपको 3ds Max यहाँ पर सिखा दूंगा। और ध्यान रहे गाइस, अगर आप आर्किटेक्ट हैं तो ही आप मेरे इस ट्यूटोरियल को देखना है स्टार्ट करें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी बताने वाला हूँ वो आर्किटेक्चर रिलेटेड बताने वाला हूँ। सो यस, यहाँ पर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं 2019 में, जैसे कि मैंने बताया, एंड ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये है बेसिक इंटरफेसेस के ऊपर। सो अगले वीडियो से हम लोग स्टार्ट करेंगे जो मेन इसके टूल्स वगैरह हैं, कमांड्स वगैरह हैं, इन सभी को। सो फिलहाल हम इसके पहले बेसिक इंटरफेस को समझ लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी देखने में कुछ डेंजरस सा लगता है लेकिन जब मैं आपको समझा दूंगा तो ये कुछ भी नहीं है। सो उससे पहले यहाँ पर आप इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो कुछ आपको सेटिंग कर लेने चाहिए इस बेसिक इंटरफेस को समझने से भी पहले। तो सबसे पहले यहाँ पर आप कस्टमाइज के ऊपर जाएंगे एंड आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। सो जिसमें से आपको जो चूज करना है कस्टमाइज यूआई एंड डिफॉल्ट फीचर। आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो अगर आपको यहाँ पर लाइट थीम रखना है सो आप यहाँ से इन दोनों के ऊपर चेंज कर सकते हैं और बाय डिफॉल्ट के ऊपर भी क्लिक करके जा सकते हैं। सो यहाँ पर जो आपको मेन सेटिंग करना है वो कस्टमाइज के ऊपर प्रेफरेंसेस में जाएंगे एंड यहाँ पर आपको जाना है फाइल्स के अंदर, फिर आपको यहाँ पर कन्वर्ट लोकल फाइल पाथ टू रिलेटिव है, ठीक है गाइस। ये ऑप्शन आप क्यों चेक मार्क करें, एंड गाइस अगर आप नया नया इंस्टॉल करते हैं तो ये आपको अनचेक मिलेगा, बट आपको ये चेक के ऊपर करना है। ये क्यों करें, इसका रीज़न ये है कि जब भी आप वीरे या और किसी भी फाइल्स को इसके अंदर एनक्लोज करते हैं तो ये उस फाइल को भी लेकर साथ में जाए, जब कभी भी आप फाइल को कहीं पर भी शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ या अपने क्लाइंट को, तो आपको प्रॉब्लम ना हो, वो सारे के सारे फाइल एक साथ वो अटैच हो जाए। अगर आप इसको अनचेक करेंगे तो जो है वो सारे फाइल्स एक साथ नहीं जाएंगे, वो रीडायरेक्ट, यानी कि आपको बार बार अपने फाइल के लोकेशन को देना पड़ेगा। होपफुली आपको ये सेटिंग समझ में आ गई हो। तो चलिए आगे चलते हैं इंटरफेसेस की तरफ। अभी आपको देखने में थोड़ा सा डेंजरस जैसे लग रहा है, बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है जिसको मैं बड़े ही आसानी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके पहले बेसिक, यहां पर इस इमेज के हेल्प से इसके बेसिक इंटरफेसेस को हम क्लियर करेंगे। तो जैसे कि यहां पर आप टॉप नंबर पर देख पा रहे हो नंबर 1 पॉइंट, यहाँ पर ये क्या है गाइस, यहाँ पर एप्लीकेशन बटन मिलता है। गाइस अगर आप 2019 का यूज कर रहे हैं तो अभी आपको ऐसा देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जो भी पुराने वर्जन को यूज कर रहे हैं उसको भी मुझे साथ लेकर चलना होगा, इसलिए यहाँ पर मैं इसको भी साथ ही साथ बताते जा रहा हूँ। तो नंबर 1 जो है ये है एप्लीकेशन बटन, यहाँ से आप एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कुछ क्विक एक्सेस टूल मिल जाते हैं जैसे कि सेव, न्यू फाइल वगैरह वगैरह। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पर अगर हम देखें तो ये है इन्फॉर्मेशन सेंटर। इन्फॉर्मेशन सेंटर, अगर आपको कुछ भी जानना है 3ds के बारे में तो आप यहाँ पर डायरेक्टली उस ऑप्शन को, जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, डायरेक्टली टाइप करेंगे और उसकी पूरी पूरी रिटन थ्योरी गूगल क्रोम पे आपकी ओपन हो जाएगी। साथ ही साथ आप यहाँ पर साइन इन भी कर सकते हैं, लेकिन इन सब के बारे में मैं आपको एडवांस में आपको आगे बताऊंगा जरूर। सो यहाँ पर पॉइंट नंबर 3 जो है आपका मेन्यू बार। यहाँ पर मेन्यू बार क्या है, ये जैसे कि अगर आपको यूज करना है अगर और भी ऑप्शंस को जो कि इसके अंदर एडवांस होते हैं कुछ, तो आप यहाँ पर इसके मेन्यू बटन से यूज कर सकते हैं। फिर आता है मेन टूल बार। सो यहाँ पर नंबर 4 आप देख पा रहे हो, ये जो भी आप टूल्स यहाँ पर देख पा रहे हैं गाइज, ये है आपका मेन टूल बार जो कि हम यूजुअली यूज करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। तो गाइज यहाँ पर 5 नंबर पॉइंट जो कि है आपका रिबन। So, ribbon guys, ये basically क्या होता है? आप अगर ये छोटा सा एक ये arrow देख पा रहे हो यहाँ पर ये वाला, so ये क्या है आपका, उसको hide कर देता है। so ये बहुत ही अच्छा feature है जिससे कि आपको work space काफी ज़्यादा मिल जाती है। so जो point number 5 है ये है ribbons, जो कि एक tool के अंदर उसके कुछ advanced और भी settings हर अलग अलग टाइम पर अलग अलग ऑप्शंस पर यहाँ पर ओपन होती है, एंड आप इसको मिनिमाइज करके रखें तो ज्यादा वर्क स्पेस आपको देखने को मिल जाएगा। सो पॉइंट नंबर 6 आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो इतना बड़ा सा आपको पैनल मिल रहा है ये बीच में, ये सारा इंटरफेस क्या है, इसको बोलते हैं सीन एक्सप्लोरर। सीन एक्सप्लोरर का काम क्या होता है, अगर कुछ भी आप
एनिमेशंस के अंदर काम कर रहे हैं या कुछ भी, आप एक अगर लाइन भी क्रिएट करते हो गाइस, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो एक तरह का ये लेयर कमांड होता है। अगर आप लेयर के बारे में जानते हो, फोटोशॉप के मेरे ट्यूटोरियल को देखे होंगे, तो एक तरह का लेयर होता है। इसको फ्रिज कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्टली डिलीट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं, गाइस यहाँ पर काफी सारे आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं सीन एक्सप्लोरर। तो गाइस यहाँ पर 7 नंबर आपको दिख रहे होंगे, दो छोटे छोटे से ये बॉक्स, ये गाइस क्या है, व्यू पॉट लेआउट। सो गाइस व्यू पॉट लेआउट का काम क्या होता है, जो आप यहाँ पर 4 देख पा रहे हैं, अगर आपको ये 4 व्यू पॉट्स को चेंज करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। सो पॉइंट नंबर 8 आपको जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इसको बोलते हैं कमांड पैनल। सो कमांड पैनल का काम क्या होता है, अगर कोई भी गाइस आपको शेप को क्रिएट करना है सो हम जो है इसके यूज से कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको छोटा सा कुछ बता भी दूंगा, लेकिन सबसे पहले हम इंटरफेसेस को क्लियर कर रहे हैं, सो इसी को हम क्लियर कर लेते हैं। गाइस यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 9 लिखा हुआ है, ये जो आपको 4 दिख रहे हैं इनको बोलते हैं व्यू पॉट। फिर आ जाते हैं पॉइंट नंबर 10 पर, सो यहाँ पर जो आपको ये छोटा सा ये दिख रहा है इसको बोलते हैं मैक्स स्क्रिप्ट। सो मैक्स स्क्रिप्ट के बेसिस पे अगर आपको काम करना है तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, जिसके बारे में मैं आपको एडवांस में आगे जाकर बताऊंगा। गाइज उसके बाद यहाँ पर आ जाता है 11 नंबर पॉइंट, जिसको बोलते हैं स्टेटस लाइन। यहाँ पर आपका सारे टूल्स का स्टेटस लाइन, इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट लाइन या स्टेटस लाइन, आप कुछ भी बोल सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर शो करता है, जैसे कि ऑटो कैड के अंदर होता है। गाइज यहाँ पर 12 नंबर पॉइंट देखो तो इसको बोलते हैं आइसोलेट सिलेक्शन। गाइज इसका भी काफी काम पड़ेगा, अभी इसको मैं सिर्फ आपका नाम बता देता हूँ, बाकी हम इसको बाद में करेंगे। गाइज अगर आपको प्लान बनाना है सो ये पॉइंट नंबर 13 जो है आपका कोऑर्डिनेट डिस्प्ले, ये काफी ज्यादा काम आता है, इसके बारे में भी हम आगे और भी अच्छे से जानेंगे। फिलहाल के लिए आप जान जाइए पॉइंट नंबर जो 13 है वो है कोऑर्डिनेट डिस्प्ले। सो गाइस आप इस इमेज का जो है स्क्रीनशॉट लेके आप जो है प्रिंट कर लें, जिससे कि आपको ईजी हो जब मैं आगे ट्यूटोरियल्स को करवाऊंगा। सो गाइस पॉइंट नंबर 14 जो है ये आपका काम होता है एनिमेशंस और टाइम कंट्रोल करने में, ये कंप्लीटली इतना 14 नंबर यहां से लेकर इतना, जिससे कि आप जो भी एनिमेशंस का काम करते हैं वो आप इसमें इजीली कर पाएंगे। गाइस फिर पॉइंट नंबर 15 आपको ये जो कॉर्नर में बिल्कुल दिख रहा है इसको बोलते हैं व्यू पॉट नेविगेशन कंट्रोल। सो गाइस यहां पर कोई भी अगर आपको नेविगेट करना है जूम इन जूम आउट पूरे व्यू पॉट के अंदर, तो कंप्लीटली आपको यहां पर मिल जाते हैं ऑप्शंस जहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। होपफुली गाइस आपको सब कुछ यहां पर समझ में आ गया होगा जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताने की कोशिश की। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया था, कमांड पैनल के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पर कुछ भी बॉक्स वगैरह इजीली बना सकते हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपका सीन एक्सप्लोरर है इसके अंदर ये बॉक्स नाम का आ चुका है। तो आज के इस बेसिक वीडियो के अंदर इतना काफी, बाकी आप सेटिंग को करना मत भूलना। और अगले आने वाली वीडियो के लिए अगर आपको मेरी वाली वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज इसको लाइक करें, कमेंट करें, एंड आने वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा दें। सो जब तक के लिए चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।